दिल्ली से हरियाणा आ रहे लोग अपने साथ कोरोना संक्रमण लेकर आ रहे हैं। ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अंबाला में दिल्ली से लौटने वाले लगभग सभी लोग अब कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ताजा मामला आज शहर के सेक्टर 10 से सामने आया है, जहां 34 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अंबाला के CMO कुलदीप सिंह ने महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की और बताया कि महिला 2 दिन पहले ही अपने बच्चे के साथ दिल्ली से लौटी थी और महिला बीते कई महीनों से दिल्ली में ही रह रही थी। CMO ने बताया कि महिला के साथ आए उसके बच्चे के भी सैंपल्स लिए जाएंगे। वहीं अब अंबाला में कोरोना के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 70 जा पहुंची है, जिनमें से 28 एक्टिव मामले हैं। शहर में एक 34 वर्षीय महिला है, परसों ही दिल्ली से आई थी। उसका परसों सैंपल लिया गया था और सैंपल लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया था। आज उसकी रिपोर्ट आई है, अभी रिपोर्ट आई है, वो पॉजिटिव है। ये महिला 3 महीने से दिल्ली में रह रही थी, परसों आई थी। मैंने जैसे पहले आपको बता दिया, परसों इसका सैंपल ले लिया गया था और इसको आइसोलेशन वार्ड में मेडिकल कॉलेज मौलाना में भेजा जा रहा है। सर, पता लगता है कि किस तरह दिल्ली से आई थी, प्राइवेट कार से आई थी या नहीं? ये है कि इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, ये अपने बच्चे के साथ उसमें आई थी। बच्चे का सैंपल भी ले लिया गया है। जो अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसकी जारी है, अभी किससे आई थी, सारे के सारे इसके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करके सैंपल ले लिए जाएंगे। टोटल 70 केसेज हो चुके हैं, जिनमें से हम 3 या 4 को डिस्चार्ज भी कर रहे हैं जो नेगेटिव हो चुके हैं। खबर तहलका के लिए अंबाला से आर्य बंसल की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।